नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 जीतों के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार की ओर से लाए गए 8 जीतों के नाम, बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा गरीबी, चौथा भूखमरी, पांचवा सांप्रदायिकता, छठा नफरत, सातवा हिंसा, आठवा दमन और उन्हें भारत के लोगों पर खुला छोड़ दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सहरसा के एक बुजुर्ग की शिकायत को जब नीतीश कुमार ने सुना तो वो भी चौंक गए। सहरसा से आए बुजुर्ग ने कहा कि वो रिटायर हो चुका है, अब तक उसको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार को उसने कई कागजात भी दिखाए, मामला परिवहन विभाग से जुड़ा था। मौली MMS कांड को लेकर छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी शर्तें रखी थी, जिन्हें मान लिया गया है। पहली मांग, जांच अधिकारी 10 सदस्यीय छात्रों की एक समिति को मामले की हर लेटेस्ट अपडेट देंगे। दूसरी मांग, जिस हॉस्टल में ये घटना घटी है उस हॉस्टल के वार्डन को निलंबित किया जाए। तीसरी मांग, लड़कियों के हॉस्टल की जांच की जाए। चौथी मांग, प्रदर्शन के दौरान टूटे छात्रों के मोबाइल फोन के बदले नए फोन दिए जाएं। यूनिवर्सिटी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि छात्रों को नए फोन दिए जाएंगे। और पांचवी मांग, गर्ल्स हॉस्टल वॉशरूम के आज बदले जाएंगे। सिवान में एक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को मिड डे मील का चावल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद चोरी का वीडियो बनाकर वो लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। मामला 16 सितंबर की दोपहर सिसवन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सड़ौत का है। इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक परमेश्वर सिंह के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से ओडिशा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। असम में धुबरी से सदिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी और ओडिशा में कांग्रेस नेता पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रोमांच से भर जाने वाले पल सैलानियों को अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इस बीच कोतराहा गेस्ट हाउस के पास पर्यटकों ने एक अजीब सांप देखा है। इस सर्प की आंखें बिल्ली की तरह उभरा हुआ है। सूचना मिलने पर वहां पहुंचे स्नेक रेस्क्यू टीम के सर्प मित्र सुनील ने सांप का रेस्क्यू कर VTR के जंगल में छोड़ दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सड़क पर ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी। मॉक विधानसभा में वंदे मातरम से सदन की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायकों के इस तरह के कार्यक्रम के कारण लखनऊ का यातायात काफी प्रभावित रहा। बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। रविवार रात 10 बजे बीच बाजार हुई इस फायरिंग से लोगों में दहशत हुई है। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 वर्ष की उम्र में आज राजनीति में नई पारी की शुरुआत की। कैप्टन अमरिंदर आज अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उनके समर्थक करीबी कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। भागलपुर में गंगा से सटे इलाकों में कटाव काफी तेज हो गया है। कई घर गंगा में समा चुके हैं। गंगा का रौद्र रूप देख लोग दहशत में हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि तेज कटाव के कारण लोग अपने ही हाथों अपना घर मकान तोड़ रहे हैं ताकि ईंट दरवाजे खिड़की बचा सके। काजोल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। काजोल के इस वीडियो पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। इस वीडियो में काजोल कहती हैं कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी पहनूं, मैंने घाघरा चोली भी पहना था, मैंने खुद को देखा और कहा कि मैं गरीब नहीं लगती, मैंने अपनी ओम वाली अंगूठी की तरफ देखा जिसे पता नहीं कितने लोग खरीदे जा सकते हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सरकारी समिति के चुनाव में जीत दर्ज की है। यह विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का निर्वाचन क्षेत्र है। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा ने भेकुटिया संबे कृषि समिति की 12 में से 11 सीट पर दर्ज की है। वहीं एक सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई है। EOW ने जैकलिन फर्नांडिस के साथ उनके फैशन डिजाइनर लिपाक्षी को भी बुलाया गया है। EOW जैकलिन और लिपाक्षी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले EOW की टीम ने जैकलिन से 8 घंटे की पूछताछ की थी। मालूम हो कि जैकलिन को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तृणमूल कांग्रेस आज यानी सोमवार पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की अति सक्रियता को लेकर निंदा प्रस्ताव लेकर आई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कोविड 19 के चलते पीएससी की परीक्षाएं न होने पर आवेदन के जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं उनके साथ न्याय हो सके, इसके लिए उनकी मांगों के आधार पर पीएससी की परीक्षा में केवल एक वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा ने आज के दिन 19 सितंबर 2007 को अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था और ये मैच डर्बन में इंग्लैंड के खिलाफ था। आज रोहित शर्मा को 18 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हो गए हैं और अब करीब एक महीने बाद वे फिर से T20 विश्व कप में उतरने वाले हैं। एक समर्थक ने दीवानगी की सारी हदें पार करते हुए सीएम योगी का मंदिर ही बनवा दिया। इस मंदिर में सीएम योगी का बकायदा किसी भगवान की तरह पूजन किया जाता है। योगी आदित्यनाथ का यह मंदिर अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर राजमार्ग पर भरत कुंड के समीप मौर्य का पूर्वा गांव में है। यहां के निवासी प्रभाकर मौर्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह मंदिर बनवाया है। लद्दाख के कारगिल में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि सोमवार सुबह लद्दाख के कारगिल में रिएक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप सुबह करीब 9:30 बजे आया। यह जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। उद्योग और कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियों का गवाह बन चुकी गुजरात में एक और क्रांति होने जा रही है। यह क्रांति एविएशन सेक्टर में होगी। राज्य में एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए गुजरात सरकार अहमदाबाद के हंसोल में वर्टीपोर्ट बनाने जा रही है। यह देश का पहला वर्टीपोर्ट होगा। वर्टीपोर्ट का मतलब है जहाँ से वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके। नामीबिया से शनिवार को कुनो नेशनल पार्क लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की मादा चीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा नाम दिया है। कुनो प्रबंधन के अनुसार यह मादा चीता जल्द ही प्रजनन योग्य हो जाएंगी और यहां चीते की वंश वृद्धि होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वैश्विक स्तर पर समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने की ज्ञान क्षमता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ मातृभाषा के सकारात्मक प्रभाव को पहचानती है। रेलवे की नई डिवाइस हैंड हेल्ड टर्मिनल यात्रियों को तत्काल बर्थ उपलब्ध कराने में बेहद मददगार साबित हो रही है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट कहती है कि बीते 4 महीनों में रेलवे इस डिवाइस ने हर रोज औसतन 7,000 वेटिंग टिकट धारक यात्रियों को कंफर्म सीट हासिल करने में मदद की है। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 4,858 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 8 लोगों की मौत केरल राज्य में दर्ज की गई है। जेल में बंद भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह की पत्नी उषा बाई ने अपने पति पर लगाए गए निवारक निरोध अधिनियम को रद्द करने के लिए तेलंगाना के राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल तिलिमिसाई सुंदरराजन को ज्ञापन भी सौंपा है। केरल में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की किस्मत चमक गई है। ओनम बम्पर लॉटरी में उसकी 25 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। तिरुवनंतपुरम के श्री वड़हम के रहने वाले अनूप ने शनिवार रात को इस लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए। टैक्स के कटने के बाद अनूप को 15,75,00,000 रुपये मिलेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 के बाद 5,400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए थे। अधिकांश हिंदू और सिख थे। ये परिवार कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में बस गए हैं। बाल शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें इस अपराध को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को भी निर्देश जारी किया गया है। बेलग्रेड में जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने इतिहास रच दिया है। पुनिया ने पुरुषों के 65 किलो फ्रीस्टाइल भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेब्रिस्टियन रिवेरा को 11-9 से मात दी है। पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ऐसा करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार से मोहाली में 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। इसके बाद भारतीय टीम अपने घर में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों में सीरीज भी खेलेगी। कहा जा रहा है कि BCCI ने इन तमाम मैचों का आयोजन इसलिए किया है ताकि भारतीय टीम को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छी मैच प्रैक्टिस मिल सके। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले 80 वर्षीय आचार्य धर्मेंद्र का सोमवार को जयपुर में निधन हो गया। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद वह गौरक्षा के लिए भी बेहद सक्रिय थे और 52 दिन तक अनशन भी किया था।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत कुमार ठाकुर, राकेश कुमार, के सिन्हा, अर्जुन राम, ओम प्रकाश, मोहम्मद शफी अहमद, राकेश कुमार, अखिलेश यादव और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्र सरकार की कोशिश से आप कितने संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।